मेरे प्यारे अभिकर्ता साथियों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे यूट्यूब चैनल रितेश एलआईसी एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मार्च 2019 में एलआईसी ने एक नई योजना नवजीवन योजना के नाम से एक प्लान लॉन्च किया था, जिसका टेबल नंबर 853 है। आज इसकी यह तीसरी वीडियो जिसमें डेथ क्लेम की इंफॉर्मेशन दी जा रही है लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, एलआईसी की यह जो नवजीवन बीमा योजना है, मुझे लगता है कि यदि इस पॉलिसी में सबसे डिफिकल्ट कुछ है और वह भी याद रखने के मुद्दे पर, तो वह डेथ क्लेम की जानकारी है। लेकिन अपनी इस वीडियो में मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस पॉलिसी के डेथ क्लेम की जानकारी को मैं आपके सामने इस प्रकार से रखूं कि यह आपको आसानी से याद में रहे। तो आइए अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम अपने मुद्दे पर चलते हैं। दोस्तों, नवजीवन बीमा योजना में जब बात आती है डेथ क्लेम की, तो उसमें सबसे पहला वर्ड आता है कमिसमेंट ऑफ रिस्क का। तो यह कमिसमेंट ऑफ रिस्क क्या है? दोस्तों, नवजीवन बीमा योजना ऐसी है कि इस पॉलिसी को 90 दिन की उम्र अगर किसी की है तो उसको भी यह पॉलिसी दी जा सकती है। यानी यह जो पॉलिसी है यह बच्चों के लिए भी उपलब्ध है। तो यदि किसी बच्चे का आप बीमा करने जा रहे हैं जिसकी उम्र 8 साल या 8 साल से कम है, तो वहाँ पर उस बच्चे का जो रिस्क कवर है वो तत्काल शुरू नहीं होता। अब यदि किसी बच्चे की उम्र 8 साल या उससे कम है तो पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद या उसकी 8 साल की उम्र कंप्लीट होने के बाद यह जो नवजीवन बीमा पॉलिसी है उस बच्चे का रिस्क कवर लेना शुरू करती है। तो वह तारीख जिसमें बच्चे का रिस्क कवर शुरू होता है उसको कमिसमेंट ऑफ रिस्क डेट कहते हैं। अब यदि इसको हम साधारण शब्द में समझें तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र है 5 साल और उसके लिए नवजीवन बीमा पॉलिसी सेल की जाती है, तो उस बच्चे का जो रिस्क कवर है वो 2 साल के बाद यानी 7 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद उस बच्चे का जो रिस्क कवर है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आप किसी बच्चे का बीमा करने जा रहे हैं और उसकी उम्र सपोज दैट 7 साल है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे की उम्र 8 साल कंप्लीट होने के बाद उस बच्चे का जो रिस्क कवर है वो शुरू हो जाएगा। अर्थात वह तारीख जिस डेट से पॉलिसी रिस्क लेना शुरू करती है उसको हम कमिसमेंट ऑफ रिस्क डेट कहेंगे। 8 साल या उससे ऊपर के उम्र के लोगों का बीमा करने पर यह कमिसमेंट ऑफ रिस्क पॉलिसी इशू होने की तारीख से ही शुरू हो जाता है। या फिर यदि आप बैक डेटिंग कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में जिस तारीख को पॉलिसी हो रही है उसी तारीख से रिस्क कवर स्टार्ट माना जाता है। अब यदि नवजीवन बीमा योजना में डेथ बेनिफिट को समझा जाए तो पॉलिसी के टर्म के आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला भाग है कि पॉलिसी लेने का शुरुआती 5 साल और उसके बाद दूसरा जो हिस्सा होगा वह पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद और मैच्योरिटी के बीच में। अब यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु पॉलिसी लेने के प्रथम 5 वर्षों में होती है तो यहाँ पर 2 नियम लागू होंगे। बिफोर द डेट ऑफ कमिसमेंट ऑफ रिस्क, यानी यदि आपने किसी बच्चे का जिसकी उम्र 8 साल से कम है, यदि ऐसे बच्चे का आपने बीमा किया हुआ है और उस बच्चे की मृत्यु किसी कारणवश रिस्क कवर शुरू होने से पहले हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वह पॉलिसी इमीडिएट बंद हो जाएगी। लेकिन चूंकि उस बच्चे का रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ था, उस सिचुएशन में उस बच्चे के साथ कैजुअल्टी हो गई है, डेथ हो गई है, तो एलआईसी कहती है कि उस बच्चे के बीमे में जितना प्रीमियम जमा किया गया होगा वह प्रीमियम वापस होगा। लेकिन जब प्रीमियम की बात आती है तो उसमें जीएसटी को कैलकुलेट नहीं किया जाता। जब प्रीमियम की बात आती है तो फिर उसमें यदि कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम एलआईसी ने चार्ज किया है तो वह भी कैलकुलेट नहीं किया जाता है, और यदि कोई राइडर भी दिया गया है तो वह भी प्रीमियम के रूप में कैलकुलेशन नहीं होता है। यानी जीएसटी, यदि कोई एक्स्ट्रा राइडर्स है, यदि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो उन सभी को घटाने के बाद जो बेसिक प्रीमियम है एलआईसी ऑफ इंडिया उस अमाउंट को पॉलिसी के नॉमिनी को रिफंड कर देगी। अब दूसरी सिचुएशन यहाँ पर क्या है कि पॉलिसी लेने के बाद प्रथम 5 वर्षों में क्लाइंट की डेथ हो जाती है, लेकिन उस समय जो कमिसमेंट ऑफ रिस्क है यह स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में सम इश्योर्ड ऑन डेथ जो होगा वह वापस किया जाएगा।
अब यह सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है इसको मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा ताकि इसको याद रखना आसान रहे। आइए अब हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अब अगला स्टेप क्या कहता है कि यदि पॉलिसी लेने के प्रथम 5 वर्षों के बाद क्लाइंट के साथ कोई कैजुअलिटी होती है, अर्थात यदि क्लाइंट की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में सम एश्योर्ड ऑन डेथ का भी भुगतान होगा और साथ में LIC लॉयल्टी एडिशन भी पॉलिसी के नामनी को भुगतान करेगी यदि कोई लॉयल्टी एडिशन पॉलिसी ने अर्जित किया है तो। दोस्तों यह तो रही बात कि डेथ क्लेम का पेमेंट होगा कैसे, लेकिन अब यहाँ पर LIC ने एक शब्द यूज किया है सम एश्योर्ड ऑन डेथ का। तो यह सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है? तो दोस्तों LIC ने सम एश्योर्ड ऑन डेथ को 2 प्रकार से डिवाइड किया है इस पॉलिसी में। पहला है, चूंकि यह पॉलिसी 2 प्रकार से ली जा सकती है, जैसे यदि क्लाइंट चाहता है तो सिंगल प्रीमियम के रूप में भी नवजीवन बीमा पॉलिसी को ले सकता है और रेगुलर प्रीमियम में भी यानी लिमिटेड प्रीमियम में भी इस पॉलिसी को क्लाइंट चाहे तो परचेज कर सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि क्लाइंट सिंगल प्रीमियम में पॉलिसी लेता है तो वहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होगा। तो सिंगल प्रीमियम पेमेंट के लिए LIC कह रही है कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ हम 2 बेस पर कैलकुलेशन करेंगे। इसका पहला बेस होगा बेसिक सम एश्योर्ड का, यानी क्लाइंट ने जो बीमा धन लिया है वह कितने का बीमा है इसे देखा जाएगा, और दूसरा चीज यह देखा जाएगा कि सिंगल प्रीमियम के रूप में क्लाइंट ने कितना प्रीमियम जमा किया हुआ है उसका 10 गुना। यानी इसको साधारण शब्दों में अगर समझा जाए तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सिंगल प्रीमियम के रूप में क्लाइंट ने जो पैसा जमा किया है उसमें GST अमाउंट को आप घटा दीजिए, यदि कोई एक्स्ट्रा चार्ज क्लाइंट जमा कर रहा है तो उसको माइनस कर दीजिए, और यदि क्लाइंट ने कोई राइडर के रूप में प्रीमियम जमा कर रहा है तो आप उसको भी माइनस कर दीजिए। इसके बाद जो अमाउंट बचता है, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि जो बेसिक प्रीमियम है, उस बेसिक प्रीमियम का 10 गुना, इन दोनों में जो ज्यादा होगा, यानी बेसिक सम एश्योर्ड ज्यादा होगा तो इस बेसिक सम एश्योर्ड का भुगतान करेंगे, और यदि बेसिक प्रीमियम का 10 गुना ज्यादा होगा, जिसको कि LIC ने यहाँ पर टेबुलर सिंगल प्रीमियम कहा हुआ है, यदि इसका 10 गुना ज्यादा होता है तो इन दोनों में ही जो ज्यादा होगा क्लाइंट को वह पैसे भुगतान किए जाएंगे। अब यह तो बात हो गई सिंगल प्रीमियम की। अब देखते हैं कि यदि क्लाइंट लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का प्लान परचेज करता है तो क्या होगा। यहाँ भी LIC ने सम एश्योर्ड ऑन डेथ के लिए यही बोला हुआ है कि या तो हम बेसिक सम एश्योर्ड देंगे या तो अब्सोल्यूट अमाउंट का हम क्लाइंट को पेमेंट करेंगे। लेकिन यदि आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे तो जब सम एश्योर्ड ऑन डेथ की बात हो रही थी सिंगल प्रीमियम के लिए, तो LIC ने वहां पर दिखाया हुआ है अब्सोल्यूट अमाउंट को कि टेबुलर सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स हम अब्सोल्यूट अमाउंट होगा, लेकिन जब बात लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की आ रही है तो LIC बोली है अब्सोल्यूट अमाउंट देंगे। अब ये अब्सोल्यूट अमाउंट क्या है इसके लिए भी LIC ने नियम बना के रखा है। वह नियम क्या है आइए इसको समझ लेते हैं। यदि बीमा धारक की उम्र 45 वर्ष या उससे ज्यादा होती है तो अब्सोल्यूट अमाउंट के लिए LIC ने 2 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन LIC यहाँ पर यह दे रही है कि बीमा धारक सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना रिस्क कवर ले सकता है, या दूसरे ऑप्शन के तहत यदि बीमा धारक चाहे तो सालाना बेसिक प्रीमियम का 7 गुना रिस्क कवर ले सकता है। लेकिन यह जो 2 ऑप्शंस लागू हो रहे हैं यह दोनों ऑप्शन 45 साल या उससे ऊपर के उम्र के लोगों के लिए ही लागू हो रहा है। यदि आपके ग्राहक की उम्र 45 साल से कम है तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 ही लिया जा सकता है, यानी सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना रिस्क कवर ही दे सकते हैं यदि क्लाइंट की एज 45 साल से कम है। तो दोस्तों यह तो बात हो गई कि LIC क्या बोल रही है डेथ क्लेम के नियम के संबंध में। आइए अब इसको हम समझते हैं कुछ अपने तरीके से ताकि इस चीज को याद रखना हमारे लिए काफी आसान हो जाए। तो दोस्तों डेथ क्लेम के रूल को समझने के लिए सबसे पहले प्लान को 2 प्रकार से आप डिवाइड कर लें। पहला यह समझ लें कि सिंगल प्रीमियम प्लान क्या है, और उसके बाद दूसरा नियम समझें कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान में क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल प्रीमियम प्लान के लिए डेथ क्लेम कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है। तो दोस्तों जब भी आप क्लाइंट को पॉलिसी सेल करेंगे तो उस समय क्लाइंट के द्वारा बेसिक प्रीमियम जमा किया जाएगा, साथ में GST लगेगा। यदि कोई एक्स्ट्रा चार्ज LIC लागू कर रही है तो वह एक्स्ट्रा चार्ज भी क्लाइंट को जमा करना होगा, और यदि क्लाइंट चाहे तो राइडर भी ले सकता है। अब दोस्तों हम समझते हैं सिंगल प्रीमियम के लिए रूल क्या है।
तो सिंगल प्रीमियम के लिए जो एज ग्रुप है उसको दो भागों में आप डिवाइड कर दीजिए। पहला जो भाग है 8 साल या उससे कम उम्र के लिए, और दूसरा जो ग्रुप है वह 8 साल या उससे ऊपर उम्र के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नवजीवन बीमा योजना सिंगल प्रीमियम में दी जाती है 90 दिन से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो अब यहाँ पर जो रूल लागू होगा वह पहला रूल लागू होगा कि जब तक कमिटमेंट ऑफ रिस्क नहीं शुरू होगा तब तक यह पॉलिसी रिस्क कवर नहीं लेती है। अब यदि कमिटमेंट ऑफ रिस्क के पहले उस बच्चे के साथ कैजुअल्टी हो जाती है तो क्या रिटर्न होगा? तो दोस्तों, यदि बच्चे की डेथ कमिटमेंट ऑफ रिस्क से पहले शुरू होती है तो जो बेसिक प्रीमियम होगी वह वापस होगा। उसके अलावा यदि कोई भी पैसा क्लाइंट ने जमा किया है जीएसटी के रूप में, एक्स्ट्रा प्रीमियम के रूप में या फिर राइडर्स के रूप में, तो वह पैसे रिफंड नहीं होंगे। अब यदि बच्चे का कमिटमेंट ऑफ रिस्क शुरू हो चुका है, यानी वह बच्चा रिस्क कवर की श्रेणी में आ चुका है, तो फिर नवजीवन बीमा योजना में सभी बीमा धारकों के डेथ क्लेम का जो रूल है वो एक तरह से शुरू हो जाएगा। अब यदि पॉलिसी के प्रथम 5 वर्षों में क्लाइंट के साथ डेथ होती है तो क्या रिटर्न होगा? बेसिक प्रीमियम का 10 गुना वापस होगा, जीएसटी, एक्स्ट्रा प्रीमियम और राइडर्स का भुगतान नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यदि पॉलिसी बच्चे की है तो पॉलिसी के प्रथम 5 वर्षों में जो कमिटमेंट ऑफ रिस्क है उसके बाद जो शेष समय बच रहा है वह ऑन डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर में कैलकुलेट किया जाएगा। यानी इसको उदाहरण के रूप में यदि समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपने किसी 5 साल के बच्चे की पॉलिसी की है तो 6वें और 7वें वर्ष की उम्र तक उस बच्चे का रिस्क कवर नहीं चलेगा, लेकिन 2 वर्ष कंप्लीट कर लेने के बाद यदि फर्स्ट 5 ईयर को कैलकुलेट किया जाए तो जो 3 वर्ष चल रहे हैं उस सिचुएशन में यदि बच्चे की मृत्यु होती है तो बेसिक प्रीमियम का 10 गुना रिफंड पॉलिसी के नॉमिनी को हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि यदि क्लाइंट की डेथ पॉलिसी शुरू होने के 5 वर्ष के बाद होती है तो बेसिक प्रीमियम का 10 गुना तो रिटर्न होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में यदि कोई लॉयल्टी एडिशन है तो उसका भी भुगतान LIC इस पॉलिसी में क्लाइंट को करेगी। तो दोस्तों, यह नियम हो गया सिंगल प्रीमियम प्लान के लिए। लेकिन यदि आप पॉलिसी कर रहे हैं लिमिटेड प्रीमियम प्लान में तो वहां पर क्लाइंट का जो एज ग्रुप है उसको 3 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो एज ग्रुप है 90 दिन से लेकर 8 साल का, दूसरा एज ग्रुप है 8 साल की उम्र के बाद और 45 साल से कम उम्र में, और तीसरा जो ग्रुप है वो है 45 साल या उसके बाद का उम्र। तो सबसे पहले हम समझते हैं 90 दिन से लेकर 8 साल का जो ग्रुप है उनमें रिस्क कवर का क्या रूल है। तो ठीक पहले की ही तरह से बात आएगी बिफोर कमिटमेंट ऑफ रिस्क, यानी यदि बच्चे की डेथ होती है रिस्क शुरू होने के तारीख से पहले, तो ऐसी सिचुएशन में जो बेसिक प्रीमियम क्लाइंट जमा किया होगा वह वापस हो जाएगा। और जैसे ही बच्चे की पॉलिसी का जो टर्म है 2 साल कंप्लीट कर जाएगा तो उस सिचुएशन में बच्चे का जो रिस्क है वो शुरू हो जाएगा। अब यदि रिस्क शुरू होने के बाद लेकिन पॉलिसी लेने के 5 साल के अंदर क्लाइंट की डेथ होती है तो यह बच्चा जो होगा यह भी 8 साल से लेकर 45 साल की एज ग्रुप में जो रूल है उसी में इंटर कर जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि पॉलिसी लेने के 5 साल के भीतर अगर डेथ होती है दोनों ही सिचुएशन में, यानी 45 साल से कम की उम्र में यदि पॉलिसी शुरू होने के 5 साल के भीतर अगर क्लाइंट की डेथ होती है तो सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना रिफंड होगा, और यदि पॉलिसी शुरू होने के 5 साल के बाद अगर क्लाइंट की डेथ होगी तो उस स्थिति में बेसिक प्रीमियम का 10 गुना तो रिटर्न होगा ही होगा, साथ में लॉयल्टी एडिशन भी इस नवजीवन बीमा योजना से LIC रिफंड करेगी। अब दोस्तों, बात आती है यदि क्लाइंट की एज 45 साल या उससे ज्यादा है, तो यहाँ पर इस एज ग्रुप के लिए LIC ने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि क्लाइंट चाहे तो सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना रिस्क कवर ले सकता है, और यदि क्लाइंट चाहे तो सालाना बेसिक प्रीमियम का 7 गुना रिस्क कवर ले सकता है। अब यदि क्लाइंट की डेथ पॉलिसी लेने के प्रथम 5 वर्षों के अंदर होती है तो ऑप्शन 1 के अंतर्गत
सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना रिटर्न होगा, और ऑप्शन 2 के अंतर्गत यदि पॉलिसी क्लाइंट ले रहा है तो सालाना बेसिक प्रीमियम का 7 गुना रिफंड होगा, और यदि क्लाइंट की डेथ पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद होती है तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन 1 के अंतर्गत बेसिक प्रीमियम का 10 गुना रिटर्न होगा लेकिन उसके साथ में लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, और ऑप्शन 2 के अंतर्गत बेसिक प्रीमियम का 7 गुना रिटर्न होगा और लॉयल्टी एडिशन के साथ रिटर्न किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने दिया है यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। क्योंकि यह वीडियो बहुत काफी लंबी होती जा रही है तो कैलकुलेशन को मैंने इसमें नहीं लिया हुआ है। कैलकुलेशन के लिए जल्द ही नई वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने साथी अभिकर्ता दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और यदि आप भविष्य में भी LIC से रिलेटेड तमाम तरह की जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे इस YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। उसका फायदा यह होगा कि जब भी हमारे इस चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और मैं आपका दिल से आभारी हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।